67वें नेशनल बास्केटबॉल स्कूल गेम्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को तमिलनाडु और राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान ने तमिलनाडु को 30-22 के अंतर से हरा दिया। मैच हारने के बाद तमिलनाडु की टीम के खिलाड़ी हताश हो गए और उन बच्चियों की आंखें भी नम हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान टीम की जीत के साथ ही मैदान में जश्न शुरू हो गया। फाइनल मैच देखने को लेकर कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। अतिथियों द्वारा विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताएं बाड़मेर की माल गोदाम रोड स्थित गर्ल्स हाई स्कूल द्वारा करवाई गई। इस प्रतियोगिता में देश भर की 29 टीमों ने भाग लिया। राजस्थान को 14 साल बाद मेजबानी मिली थी। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे। देर शाम हुए सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद राजस्थान और तमिलनाडु की टीमों ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल मैच में राजस्थान ने गुजरात की टीम को 35-23 के अंतर से हराया था। राजस्थान की टीम ने यशिता कंवर के दमदार नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए गुजरात के खिलाड़ियों को छकाते हुए कई बास्केट किए। पूरे मैच में दर्शकों ने जबरदस्त वोटिंग कर खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया। जीत के बाद कप्तान यशिता कंवर ने कहा कि आज उन्होंने नेशनल टूर्नामेंट जीत लिया है, पूरी टीम के सहयोग से जीत मिली है। टीम ने पूरी ताकत के साथ मैदान में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें जीत मिली है। हमने जम्मू कश्मीर को हराया है, चंडीगढ़ को हराया है, हिमाचल प्रदेश को हराया है, तमिलनाडु को हराया है और गुजरात को भी हराया है। सबसे टफेस्ट तो तमिलनाडु वाला ही था। लास्ट तक हमने फाइट दी है, हम लोग नहीं, वो थोड़ा गेम फास्ट होता है तो नॉर्मली हर मैच में होता है, बाकी तो स्टार्टिंग से ही अच्छा खेल रहे थे। हारने का तो नहीं, बराबर आ गई थी लीड, बट फिर भी कवर कर लिया। हमको मोटिवेशन दिया था, स्ट्रेटजीज बताई थी, जो हमारे पिछले मैच की गलतियां थी उन्होंने बोला था कि अब नहीं होनी चाहिए, आगे के लिए ध्यान रखना। पूरी टीम ही अच्छा खेली है सर, पूरी टीम की थी, बहुत सपोर्ट था पब्लिक का हमारे लिए, वोटिंग करी, थैंक यू टू ऑल। इन लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, थैंक यू टू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है, सर का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट, टीम का सपोर्ट, इतना कॉन्फिडेंस था कि हम जीत सकते हैं। मैच अच्छा रहा, हमने पहले से सोच लिया था कि हम गोल्ड मेडल तक पहुँच के रहेंगे, और हमारा मैच तमिलनाडु से था, थोड़ा हम डर भी गए थे कि वो टीम हार्ड है। फिर हमने फर्स्ट टाइम खेला, हमें अच्छा लगा, थर्ड क्वार्टर में हम थोड़ा डर गए, उसके बाद में हमने लीड कवर कर ली। फिर भी हमने यही दिमाग में सोच रखा था कि हम मेडल तक पहुँचना है। हमारा मैच बहुत अच्छा रहा और हम थोड़े से डरे हुए थे, बट हमें ये सब ने ये ठान रखा था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे, इसलिए हमारे विजेता रहे। सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमारे ग्राउंड वालों ने, हमारे कोचेज ने, हमारे जो फ्रेंड्स है उन सब ने, हमारे ब्रदर सिस्टर्स ने, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बाड़मेर के लोगों को कहना चाहेंगे कि हर किसी को, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो उसमें आगे बढ़े, किसी को रोका ना जाए। सर कोई एक काबिलियत इंसान है, टीओ के लिए की है ना, आप लोग कोशिश करें, एक ना एक दिन जरूर सफल हो गए। शनिवार सुबह राजस्थान और तमिलनाडु के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 30-22 से तमिलनाडु को हरा दिया। मैच के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और चौटन विधायक आदुराम मेघवाल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विजेता और उपविजेता और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। राजस्थान ने इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात और तमिलनाडु को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम एक भी मैच नहीं हारी और पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही।